अभी तो पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशोक तो पहुंचाया नहीं पहुंचाया, तो सहारनपुर से भी गुंडों को बाहर भगाना है और डॉक्टर अजय सिंह को। यह है बीजेपी विधायक राजीव गुंबर, जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को बीजेपी की उपलब्धि बता रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से ही बीजेपी कहीं न कहीं फ्रंट फुट पर आकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब नगर निकाय के चुनाव प्रचार में इस हत्याकांड को एक उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है। अतीक को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशरफ को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, तो सहारनपुर से भी गुंडों को बाहर भगाना है और डॉक्टर अजय सिंह को। डॉक्टर अजय सिंह को, डॉक्टर अजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सहारनपुर में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक राजीव गुंबर ने विकास कार्यों के साथ साथ माफियाओं को ऊपर पहुंचाना भी एक उपलब्धि बताया। अतीक और अशरफ की हत्या को बीजेपी अपनी उपलब्धि बताकर इसे एक चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर के नगर बीजेपी विधायक राजीव गुंबर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सहारनपुर से भी गुंडों को बाहर भगाना है और डॉक्टर अजय सिंह को, डॉक्टर अजय सिंह को, डॉक्टर अजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही यूपी सरकार में मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने भी बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि जो लोग अतीक अशरफ की हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसी मांग करने वालों की ही सीबीआई जांच करानी चाहिए। जिन दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं की चर्चा आप कर रही हैं और जो लोग आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि जांच करने वालों की, जांच की मांग करने वालों की पहले सीबीआई जांच करा ली जाए। किन लोगों के दल के द्वारा, किन परिवार के द्वारा उन माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया गया था, किस प्रकार एक व्यक्ति की निर्मम हत्या प्रयागराज के अंदर की गई थी और जिन दलों के नेताओं ने उसको पाल रखा था, वही लोग आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब बीजेपी विधायक के इस बयान पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।